भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान को टीटीपी भी मार रही है। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। पूरे पाकिस्तान में आटे की किल्लत से भगदड़ मच गई है। बलूचिस्तान में तो गेहूं भी खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी शिप मुनीर देश से गायब हैं। आर्मी शिप असीर मुनीर सऊदी अरब में अपनी वफादारी साबित करने पहुंचे हुए हैं, वहीं शहबाज शरीफ यूरोप पहुंच गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना क्यों मारी मारी फिर रही है। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि 3 हफ्ते ही इम्पोर्ट कर सकता है। डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा पिछले 8 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सरकार भारी कट में है और इंतजार कर रही है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और पैसे दे। पैसे की भारी कमी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान में आटे को लेकर भगदड़ देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे की बोरी 1800 रुपये की बिक रही है। वहीं क्वेटा में 20 किलो आटे की बोरी 3000 रुपये की बिक रही है। वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। बाजार में आटा सरकारी दरों से दुगुनी से अधिक कीमत पर बिक रहा है। आम आदमी रोटी का जुगाड़ पाना मुश्किल होता जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पैसा पाकिस्तान को चंदे में मिलता है, उनमें से आधा तो आतंकवाद में लगा देता है, बसा कुछ ब्याज की किस्तों में निकल जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।